भारतीय राजनीति में विवादित बयानों के बादशाह कहे जाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साल 2019 में भी जमकर बोल बिगड़े। दिग्विजय सिंह ने कभी कहा कि हिंदुत्व शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं, तो कभी बीजेपी नेताओं को नालायक बताया। आज हम आपको उनके विवादित बयान सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि सच में इनसे बड़ा बयानवीर कोई नहीं। तो चलिए आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह के 5 विवादित बयान, जो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी। 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तान की सेना को उन्होंने सरेंडर करा दिया था, आत्मसमर्पण करा दिया था। वो थी कांग्रेस की प्रधानमंत्री। और ये राजीव गांधी के बारे में क्या कहते हैं ये मोदी? शर्म आनी चाहिए मोदी जी। राहुल जी ने ठीक कहा है, हमको 56 इंच का सीना नहीं, 56 का दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। देश को चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस भारत के नागरिक हैं। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, अरे नालायको, 550 साल मुसलमानों का राज रहा था, हमारे धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या बिगड़ेगा? धर्म के आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है, लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है, उन्हें ईश्वर की माफ नहीं करेगा। ऐसे कुछ लोग जो कि बजरंग दल, कुछ लोग और भाजपा के पदाधिकारी थे और आज भी है, आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, उनकी जमानतें हो गई भाजपा के राज में, वो कैंसिलेशन होना चाहिए, उन पर मुकदमा पूरा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रोज हमें राष्ट्रवाद का वे संदेश देते हैं, और ये कैसा राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई के लिए पैसा लेकर, उनसे पैसा लेकर भारत के लिए जासूसी करें, इसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। महात्मा गांधी इस देश को आजादी दिलाकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी हत्या करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, नाथूराम गोडसे था। ये है इन लोगों का सोच, इन लोगों का विचार और इनका कर्म। ये ना धार्मिक है, न इनका धर्म से कोई लेना देना है, केवल धर्म का आडंबर रखकर ये लोगों को गुमराह करते हैं। आप लोग हिंदू शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदू सब मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, हिंदू सब मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, हिंदू सब मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। सर, अमित शाह जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि यूपी सरकार के द्वारा हिंदू सिविलाइजेशन, मेरे ख्याल से वो हिंदू सिविलाइजेशन के लिए अज्ञानी है, उनको हिंदू सिविलाइजेशन का ज्ञान नहीं है। ऑफिशियल होम सेक्रेटरी के रूप में उसने बयान दिया, उसको बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया और टिकट देके उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, उसके बारे में हमेशा कुछ कहेंगे। धन्यवाद। सुन लिया आपने कैसे कैसे बोल बोलते हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। उनके बयान मीडिया में सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बनते, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की राजनीति में काल भी बनते हैं। News Desk.